अब परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की विधि है कि तुम व्यभिचार ना करना। फिर प्रभु यीशु मसीह ने इसको और थोड़ा सख्त करके बोला है कि अगर किसी ने अपने मन में किसी पराई औरत के लिए, और व्यभिचार सिर्फ क्या नहीं होता, मर्द की तरफ से औरत के लिए नहीं होता, औरत की तरफ से भी मर्द के लिए होता। फरीसियों के जैसे नहीं जो एक औरत को पकड़ लाए कि देखो जी ये व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, और आदमी किधर है, अकेली कर रही थी। आदमी पक्का कोई लीडर होगा फरीसियों का ही, दोनों की तरफ से होता है। औरत भी आदमी के लिए गलत विचार आ सकता है, और आदमी के भी मन में औरत के लिए गलत विचार आ सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई किसी पराई औरत के ऊपर या किसी भी औरत के ऊपर कुदृष्टि डालता है, बुरी नज़र डालता है, और उसके ऊपर नज़र डाल के मन ही मन में सोच विचार करता है, गंदी सोचे करता है, गंदे विचार करता है, बाइबल बताती यीशु मसीह ने कहा कि वे अपने मन में व्यभिचारी बन गया है। इसीलिए हमने पिछले सप्ताह आपको बताया कि दिस इज़ द ईविल डिवाइस, ये दुष्टता का हथियार है। ये आपको क्या करता है, सोशल मीडिया पर अश्लील औरतें आती हैं, ठुमके लगाती हैं, नाचती हैं, और मनुष्य को अंदर पाप के विचार उत्पन्न करती हैं। दुनिया, संसार, कॉस्मोस, जिधर परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं की जाती, जो परमेश्वर के विरोधी। लोग फेमस होने के लिए अपने तन को क्या करते हैं, ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाएं, ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करें, लोग ज़्यादा फॉलोअर्स आएंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पैसे सब प्रकार की बुराई की जड़ क्या है, पैसा ही है ना। वो हम आगे सीखेंगे, आँखों की अभिलाषा, जो हम संसार में चीज़ें देखते हैं ना, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, गाड़ी, धन दौलत, वो आगे सीखेंगे। फिलहाल व्यभिचार के बारे में सीख रहे हैं। तो देखने के द्वारा जो मन में व्यभिचार की डिज़ायर्स आती हैं, कामना आती है, ये बड़ा संगीन पाप है, संगीन पाप। परमेश्वर इसराइलियों को व्यभिचारी कह के पुकारता, क्यों, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना इनकार करके बाल के पीछे चले, अशेरा के पीछे चले, अन्य देवी देवताओं के पीछे चले, इसलिए परमेश्वर उनके लिए व्यभिचारी शब्द इस्तेमाल करता है। क्यों, जो अडल्ट्री वर्ड है वो किस में आता है, अपराध में, ब्रेकिंग ट्रस्ट, आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे, इसलिए कहता है अडल्ट्रस, हे व्यभिचारियों, संसार के साथ मित्रता, परमेश्वर के साथ क्या है, बैर है, आपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। पौलुस कहता है मैंने एक ही पुरुष के साथ तुम्हारी बात चलाई है कि तुम्हें पवित्र कुवारी के समान मसीह को सौंप दूं, वो मरा दूल्हा, और उसको छोड़कर यदि हम संसार के साथ प्रेमी बनेंगे, संसार से प्रेम रखेंगे, हम व्यभिचारी क्या है, ये है आत्मिक व्यभिचार जो हम करते हैं संसार के साथ मित्रता में चलते वक्त। शारीरिक पाप के विषय में लिखा है कि अन्य पाप मनुष्य अपनी देह से बाहर करता है, पढ़े पहला कुरिन्थियों 6। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, हाँ, वह उसके साथ एक तन हो जाता है, हाँ, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे, हाँ, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, हाँ, व्यभिचार जो वेश्या के साथ क्या होता है, एक तन हो जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि उनके लिए क्या कोड किया है पुराने नियम से, आदम और हवा के लिए जो लिखा गया कि वे एक तन होंगे, इसका मतलब जब भी एक पुरुष किसी वैश्या के साथ संगति के लिए जाता है, प्रभु के दास भी सिखा रहे थे ना, जितनी बार भी आपने मैरिज से पहले, बिफोर मैरिज आपने अगर ये काम किया है तो आपकी उतनी बार शादी हो चुकी, इसीलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू पांच कर चुकी और जिसके साथ अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं है, कर भी चुकी और नहीं भी है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, हाँ, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, इंग्लिश में शब्द है फ्ली, भाग जाओ, ये एक ऐसा पाप है आप इसका सामना नहीं कर सकते, आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते लेट्स फाइट, आओ लड़ते हैं, आओ कुश्ती करते हैं, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, ये एक ऐसा पाप है, आप गिरेंगे।
इससे इसका सामना करने के लिए बाइबल हमें नहीं सिखाती, भाग जाने के लिए सिखाती। व्यभिचार से भागो, क्या लिखा है हिंदी में? बचो, व्यभिचार से बचे रहो, बचे रहो लिखा। पंजाबी में पढ़ो, व्यभिचार से भागो, हरामकारी तो पजो, भागो, रन, फ्ली, फ्ली मतलब उड़ जाओ। जैसे यूसुफ उधर से भाग गया, सामना नहीं कर सकते इस पाप का। फिर कहता है व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो और हर एक औरत का पति हो। पौलुस सिखाता इससे डरना, ये एक ऐसा पाप है जिससे हमने लड़ना नहीं है, इससे डरना और इससे भागना, अपने आप को बचाए रखना। इसको जवानी का पाप भी कहा गया। क्या कहा गया है? जवानी का पाप। पढ़े आगे, पूरा पढ़े। इंग्लिश, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है। हाँ, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। We sin against our own body. अपने खुद के शरीर के खिलाफ हम पाप करते हैं यदि हम व्यभिचार करते हैं। सेक्सुअली हम, सेक्स पाप नहीं है, समझ आ रहा? ये परमेश्वर ने तोहफा दिया है आदमी और औरत को, पति पत्नी के लिए है ये। किसके लिए है? पति पत्नी के लिए है। सिर्फ यही एक रिश्ता है जिसके लिए ये चीज़ परमेश्वर ने ठहराई, और किसी के लिए नहीं। माँ और बेटे के लिए नहीं है, बाप और बेटी के लिए नहीं है, भाई बहन के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है? पति और पत्नी के लिए। अगर शादीशुदा है तो गैर मर्द के साथ या गैर औरत के साथ संबंध में जाते हैं तो उसके लिए वर्ड है फॉर्निकेशन, हिंदी में उसे भी व्यभिचार ही कहा जाता है। इसलिए यही एक कारण प्रभु ने दिया है कि एक आदमी एक औरत को डाइवोर्स दे सकता है, इसी कारण से। इसके अलावा किसी और बात के लिए आप तलाक नहीं कर सकते हैं। अगर इस कारण के बजाय हम किसी और कारण से डाइवोर्स करते हैं तो हम अपराधी हैं। इसलिए ये वो पाप है जिससे हमने भागना। इंग्लिश में लिखा है, फ्ली सेक्सुअल इमोरैलिटी। एवरी सिन दैट अ मैन डज इज आउटसाइड द बॉडी, बट ही हु कमिट सेक्सुअल इमोरैलिटी सिंस अगेंस्ट हिज ऑन बॉडी। अपने खुद के शरीर के खिलाफ पाप करता है। इन पापों से परमेश्वर भागने के लिए कहता है। मैं बता रहा था ना, फोन पर बहन भाई वचन बताते हैं, प्रार्थना करते हैं। ज़रूरत नहीं है बहनों को भाइयों के साथ फ़ोन पर घंटे घंटे बात करके वचन बताने की। इन चीज़ों से पहले ही दूर रहें। धीरे धीरे ये आपको क्या करती है? ट्रैप करती है, आपको जाल में फंसाती है। मेरे मन में कौन सा बुरा विचार है? बहन है हमारी, भाई है हमारा। ये स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। इसलिए बोलते हैं कि औरत और आदमी में थोड़ा क्या होना चाहिए? दूरी होना चाहिए। ज्यादा बातें आपस में नहीं होना चाहिए। कई सेवक लोग गिरते हैं इन पापों में, कई पास्टर लोग औरतों को वचन बताने के कारण से इन पापों में गिरते हैं। इसीलिए लिखा भागो, सामना नहीं करना इसका। मैं खुद को बचाए रखूंगा करके अगर ऐसा विचार करके, बाइबल बताती, पौलुस कहता है कि जो शरीर पर कॉन्फिडेंस लाता है, जो अपने शरीर पर विश्वास करता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मूर्ख है। गलातियों 5 पढ़े, 16 से पढ़े। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। शरीर की लालसा, ये वही वर्ड है जो हम यूहन्ना 2:15 में पढ़ते, शरीर की अभिलाषा, शरीर की लालसा। आत्मा में चलोगे तो शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी नहीं करेंगे। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, शरीर आत्मा का, हाँ, ये आप ही का शरीर, आप ही का आत्मा, दोनों आपस में क्या है? विरोधी हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट है। आगे लिखा जी, और हाँ, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, विरोधी है। सबसे पहला विरोधी आपका शैतान नहीं, आपका खुद का शरीर है और उसकी अभिलाषाएं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो, हाँ, वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो, हाँ, व्यवस्था के अधीन ना रहो। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, शरीर के काम क्या है? प्रकट है। आगे, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। हाँ, इंग्लिश में वर्ड है विचार, अडल्ट्री, फॉर्निकेशन, अनक्लीननेस। हाँ, आगे,
मूर्ति पूजा टोना वैर झगड़ा ईर्ष्या क्रोध विरोध फूट विधर्म डा मतवालापन लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं जिनके विषय मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। हाँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ। हाँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। हाँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। फिलिपियों 3:3 क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। हाँ, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हाँ, शरीर पर भरोसा। हाँ, डू नॉट पुट कॉन्फिडेंस इन फ्लैश। शरीर पर क्या नहीं रखना भरोसा कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ। नहीं रोक पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए पहले ही अपनी क्या कुछ बाउंड्रीज, कुछ हदें अपनी बना के सेट करके रखनी है कि इसको मैंने क्रॉस नहीं करना। कहीं मैंने देखे सेवक लोग प्रार्थना करते हैं तो औरतों को ऐसे ऐसे करते हैं। देखे आपने, देखे कुछ हदें हमने बना के रखनी है। आपने नहीं देखे, हमने देखे तो कुछ हदें हमने बना के रखनी है। चाहे मैं बूढ़ा क्यों नहीं हूँ तो भी औरत को टच नहीं करना है। सिर्फ आप सर पर हाथ रख सकते हैं, सर पर, सर से नीचे आपने औरत को नहीं छूना। सर भी नहीं छुएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रभु का आत्मा ऐसे भी काम कर देता है। वो क्या कहता सूबेदार प्रभु को, इधर से ही बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। फिर आगे पढ़े कुरिन्थियों 7:1 पहला कुरिन्थियों। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, कि पुरुष स्त्री को ना छुए। ये अच्छा है। क्या है? अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। हाँ, आगे। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी। हाँ, व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की क्या हो? पत्नी। और हर एक स्त्री का पति हो। हर एक औरत का क्या हो? पति हो। पति किसके डर से? ये दोबारा आ गया शब्द, डरो इससे, ये पाप से डरो और दूर भागो। हाँ, आगे। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। हाँ, ये आगे शादीशुदा लोगों के लिए है। पति अपने पति का हक अदा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक अदा करे। औरत ने आदमी को अपने संतुष्ट रखना है और आदमी ने अपनी औरत को संतुष्ट रखना, ताकि उनका जो है दूसरी जगह पर ध्यान ना हो। पौलुस देखो कितनी गहरी शिक्षाएं देता है। ये खुद इसकी पत्नी नहीं है, ये प्रभु का आत्मा सिखाता है। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। हाँ, पर उसके पति का अधिकार है। हाँ, किसका अधिकार है? पत्नी ने इस तरह से अपनी देह को रखना है कि ये देह मेरी नहीं, मेरे पति की, ताकि किसी और पुरुष के पास ना जाए। कानून है परमेश्वर का, अगर आप इससे हटे आपने क्या किया? यू हैव डन ट्रांसग्रेशन, पेशा प्राप्तोमा, अपराध किया आपने, आपने विद्रोह किया परमेश्वर के दिए हुए कानून के साथ, सिन किया, हता हमाटिया, आप असफल हो गए हैं। किस चीज से? जो पादरी के सामने खड़े होकर यस आई डू बोला है, मैं कबूल करता हूँ, कबूल है जो किया है, आप उस वाचा को तोड़े हैं। कितना संगीन है ये पाप। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं। हाँ, परंतु पत्नी का है। हाँ, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। हाँ, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से। हाँ, की प्रार्थना के लिए। हाँ, प्रार्थना के लिए क्या होना है? कुछ देर के लिए आप अलग भी हो सकते हैं, बट ज्यादा देर अलग नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? आगे। और फिर एक साथ रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे संयम के कारण। हाँ, असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हाँ, असंयम के कारण फिर शैतान परखता है। जब आदमी और औरत ज्यादा समय एक दूसरे से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, तो क्या होता है? शैतान असंयम के कारण परखता है। साथ रहें एक दूसरे के, प्रार्थना के लिए कुछ समय आप अलग रह सकते। जैसे बाइबल बताती है, परमेश्वर जब पर्वत पर उतरा तो उसने कहा अपने आप को 3 दिन के लिए क्या करो? पवित्र करो, शुद्ध करो। तो बाइबल बताती है कि वे लोग अपनी अपनी पत्नियों के पास नहीं गए 3 दिन के लिए, उन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा। प्रार्थना के लिए कुछ समय आप अपने पति से, पति पत्नी से थोड़ा समय के लिए अलग भी हो सकते हैं, ताकि आप अपने आप को शुद्ध करें, अपने